और स्वागत है आपका एट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, मैंने आज देखी है होंडा हॉर्नेट रेपसोल वेरिएंट है ये होंडा हॉर्नेट का। और इस वाली गाड़ी में आपको 180 सीसी के लगभग इंजन देखने को मिल जाता है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको 152,000 रुपये ऑन रोड भोपाल में इसकी प्राइसिंग पड़ेगी। और 152,000 रुपये में इस गाड़ी में क्या क्या आपको देखने को मिलता है थोड़ा इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का है भाई सामने से होंडा हॉर्नेट का हेडलैम्प, और हेडलैम्प आप देख सकते हैं सामने की तरफ एक्स ब्लेड है साइड में खड़ी है उसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा देखने में। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट देखने को मिल जाती है और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके के इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको इन्हें जला करके बता देता हूँ, तो ये देखिए आप जलने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं, बेहतरीन ये इसकी हेडलैम्प है। और आपको जो गोल्डन फिनिश में आपके इसके शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल देखने में भाई जो होंडा ने इस गाड़ी को थोड़ा थोड़ा अपनी ड्यूक 200 की तरह ही बनाया और ये गाड़ी उसी से कम्पीट भी आपको करती है। अगर टायर इस गाड़ी के देखेंगे तो आपको डायमंड कट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं और पूरा आपको ऑरेंज कलर में इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर आपको ABS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको ABS देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ABS की वायरिंग है वो आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही होगी। तो ये मैंने गाड़ी का आपको फ्रंट लुक दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का साइड लुक। तो साइड से जो होंडा हॉर्नेट रेपसोल 2.0 है देखने में कुछ इस तरीके की लगती है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और यूनिक सा इस गाड़ी का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ड्यूअल टोन में आपको जो गाड़ी के कलर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और इवन ड्यूअल टोन क्या बोल रहा हूँ इसमें मेरे को चार चार कलर दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड दिख रहा, वाइट दिख रहा, ऑरेंज दिख रहा, ब्लैक कलर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और ये है भाई गाड़ी का 180 सीसी का इंजन जो कि काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करता है। इसके पावर फिगर्स क्या हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ये है भाई गाड़ी के गियर्स जो कि ऑब्वियसली इसमें 5 गियर आते होंगे, और ये है कुछ गाड़ी का स्टेयरिंग सिस्टम। आपको यहाँ पर जो चेन है गाड़ी की वो एक्सपोज्ड ही देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं जो कि हम उस तरफ से भी देखेंगे। जो टायर्स की प्रोफाइल है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको 140 70 17 इंच के जो हैं दोनों ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ जो देख सकते हैं आप यहाँ पर गाड़ी का डिस्क ब्रेक दिया है, ये है भाई गाड़ी का एग्जॉस्ट, और यहाँ पर जो फुट रेस्ट है वो गाड़ी में दिया गया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओवरऑल यहाँ पर आप इस साइड से इंजन को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो लुक है इंजन को दिया गया है, और जो काउल्स हैं गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ड्यूअल टोन में इस गाड़ी का टैंक है, और इस टैंक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको इस टैंक के अंदर 12 लीटर की देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पर जो की है वो कुछ इस तरीके की आती है आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 रेपसोल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके राइट हैंड साइड है वहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये है भाई गाड़ी का जो हैजार्ड लैंप है, अगर आप उसे ऑन या ऑफ करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। ये है भाई गाड़ी का कुछ एक्सेलेरेटर, और जो ब्रेक हैं वो काफ़ी अच्छे जम रहे हैं। जो मिरर्स की क्वालिटी है वो आप वापस से वही देख सकते हैं, आपको मिरर की क्वालिटी सेम बाकी गाड़ियों में जैसी आती है। यहाँ पर मेरे साइड में एक्स ब्लेड खड़ी है उसकी भी सेम टू सेम आपको जो क्वालिटी है वो देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM की जो मार्किंग है वो दी गई है। यहाँ पर आपको स्पीड बताता है, और यहाँ पर आपको एवरेज वगैरह बैटरी के जो इवन वोल्टेज है 12.6 जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ जो शो करता है 12.6 वोल्ट वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, गियर इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूल मीटर आप देख सकते हैं, न्यूट्रल की लाइट, ABS की लाइट, यहाँ पर हाई बीम की लाइट, और यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट्स देखने को मिल जाती है। ये जो दो बटन्स हैं इनसे आप यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी और यहाँ पर माइलेज वगैरह जो देखने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। राइट में आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर्स के कंट्रोल, और यहाँ पर जो लाइट है उसके कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो सीट क्वालिटी है उसकी भी मैं आप लोगों को बात अगर करूँ तो सीट जो है मतलब कि दो लोगों के बैठने के लिए काफ़ी ठीक सी लग रही है, तीसरा बंदा तो आप चाह के भी नहीं बिठा सकते इन गाड़ियों में। और पीछे की तरफ से कुछ इस टाइप में है भाई गाड़ी का लुक, यहाँ पर इंडिकेटर, पीछे की तरफ टेल लैंप, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी भाई होंडा हॉर्नेट
2.0 और रेस्पोल वेरिएंट देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसकी प्राइसिंग की बात भी मैंने आप लोगों से कर ली है, जो गाड़ी का प्राइस है 152,000 के आसपास है। तो कैसी लगी आपको गाड़ी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भोपाल में हैं और गाड़ी की अगर इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो मैं आपको भैया का जो नंबर है वो नीचे शो कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।